असलम युवा जी मैं YouTube चैनल उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो पहले मेरा YouTube सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पाकिस्तान में सुजुकी वालों ने फाइनली 2022 मॉडल स्विफ्ट लॉन्च कर दी गई है और ये गाड़ी 2021 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी तो दोबारा उन्होंने लॉन्च कर दी गई और न्यू शेप फेसलिफ्ट की और इन्होंने प्रॉपर गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है, न्यू शेप में इंट्रोड्यूस करवाई है। जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड वेरियंट था वो 2017 में और वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया गया था लेकिन पाकिस्तान में लेट है, दुरुस्त है तो फाइनली पाकिस्तान में आ गई है और मैं इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में बैठा हुआ और 3 वेरिएंट इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं और मैं इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में हूँ और इसकी मैं आपको लास्ट प्राइस भी बताऊंगा कि गाड़ी किस प्राइस ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है और इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के फीचर के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको करूंगा। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और चलते हैं आप इसके रिव्यू की तरफ। फ्रंट लुक की बात कीजिए तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हेडलाइट्स और हेडलाइट जो है इसकी ये डीलर लाइट्स है ये वाली और ये प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स दी गई हैं और जैसे नीचे आते हैं तो फोग लैंप है वो हैलोजन बल्ब के साथ है और ग्रिल इसकी जो मैट फिनिशिंग में ग्रिल दी गई है और ये क्रोम लाइन गाड़ी की लुक को इन्हेंस करती है और सुजुकी का लोगो भी साथ में मेंशन किया गया। टायर प्रोफाइल की बात कीजिए सबसे पहले इसके अंदर रहते हैं 16 इंच के टायर और जो ये ब्रिजस्टोन के टायर हैं और डुअल टोन में टायर हैं इसके, सिल्वर प्लस ब्लैक कलर में टायर हैं इसके और टायर साइज जो है 185/55 R16 है और अगर आप इसके साइड मिरर के देखेंगे तो LED लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट दी गई है और डोर हैंडल जो है वो इसके क्रोम में दिए हैं और दोनों तरफ जो है कीलेस एंट्री की ऑप्शन मौजूद है और बैक साइड का जो डोर हैंडल है वो इधर विजल और SCHR में जैसे रहते हैं वैसे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ब्रेक्स की बात की जो रियर टायर है उसमें ड्रम ब्रेक्स हैं और फ्रंट व्हील टायर में डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस करवाई हैं और बैक साइड पे जाएं तो सबसे पहले आपको देखने को रियर राइट और ये टोटली जो रियर राइट है ये है एलईडी लाइट है और इसकी जो इंडिकेटर और बैक लाइट जो है वो हैलोजन बल्ब के साथ है और ये स्विफ्ट GLSE CVT टॉप वेरियंट है और इसका बैजेज आपके सामने है और सुजुकी का भी लोगो सामने दिया गया है और आपको बैक पे जब देखने को मिलेगा तो 4 सेंसर है, पार्किंग सेंसर बैक पे और बैक पे इसके स्क्रीन पर वाइपर भी दिया गया है और ये जो स्पॉइलर है ये आप एक्स्ट्रा चार्जेस देके एडिशन करवा सकते हैं, ये वैसे आपको नहीं मिलेगा, अगर हमने इंक्लूड करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के पड़ेंगे और ये इसका एंटीना भी साथ दिया गया बैक पे। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसकी इधर से ओपन होता है और आप इसकी स्पेस देख सकते हैं, बूट की तो काफ़ी है और इसके अंदर ये है कि आपको टायर देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर एयर प्रेशर सिस्टम मिलेगा और ये आपको इसके इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे देखने को और इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया, ये किट दी गई है जिसकी वजह से इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। इसको देने में आपको ट्रे भी मिलेगी जो एडजस्टेबल, आपको उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं इसको। अब चलते हैं बैक पे इसकी कैपेसिटी कितनी है और लेग स्पेस कितनी है इसकी। इस वक्त गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और लेग स्पेस है वो गाड़ी की सीट काफ़ी पीछे है तो काफ़ी यानी कि इनफ है, यानी कि आप ट्रैवल आराम से कर सकते हैं और अगर इसकी आप बात करें नीचे साइड पे तो नीचे साइड पे हल्का सा इसका हम्प है, तीसरा जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा हम्प दिया गया और इसकी जो सीट्स हैं वो हैं फैब्रिक सीट्स हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी फैब्रिक की दी गई हैं और पीछे जो 3 लोग बैठ सकते हैं उनके लिए तीनों के लिए आपको सीट बेल्ट देखने को मिलेंगे इधर और ये गाड़ी लॉन्ग जर्नी के लिए जो है 4 पैसेंजर के लिए इनफ है, अगर आप 5 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी। और साइड पे आप बात करें तो ये जो हार्ड प्लास्टिक में इन्होंने मेंशन किया गया और ये जो इसका हैंडल है वो क्रोम हैंडल में दिया गया और ये इसका मिरर का ऊपर नीचे का सिस्टम इधर है। की बात करें तो डोर कीलेस एंट्री है क्रोम हैंडल के साथ, डोर की बात की जाए तो हार्ड प्लास्टिक में डोर दिया गया और सामने फैब्रिक का टच है और आप देखने को मिलेगा आपको मिरर की एडजस्टमेंट, वो ड्राइविंग सीट वाला मिरर जो ऑटो है बाकी सारे मैनुअल एडजस्टमेंट है और 4 स्पीकर हैं, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे हैं और डोर हैंडल जो है उसको क्रोम में दिए गए हैं। और सबसे पहले आता फ्रंट पे इसका स्टेयरिंग और स्टेयरिंग में आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर की बात की जाए 6 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टेयरिंग में, एक पैसेंजर साइड पे, 2 सीट्स पे और 2 बैक प्लेट्स में दिए गए हैं ना सीट इसके एयरबैग्स। जो मल्टीमीडिया स्टेयरिंग की बात कर लीजिए जो ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम में दिया गया है और राइट साइड पर जो सिस्टम है इसका सेट करने का दिया गया और लेफ्ट साइड पर इसका जो म्यूजिक इंटरटेनमेंट सिस्टम का वो एडजस्टमेंट का सिस्टम दिया गया आपको और ये ब्लूटूथ के कनेक्ट और आप कॉल अगर अटेंड करनी हो तो आप इधर डिस्कनेक्ट करनी हो तो वो सिस्टम इसको इधर प्रोवाइड किया गया।
इसकी जो स्टेयरिंग की जो फिनिशिंग की है वो लेदर में की गई है। और मीटर की बात की है तो लेफ्ट साइड पे इसका आरपीएम है और राइट साइड पे इसका एनालॉग मीटर दिया गया है, 220 का मीटर है इसका। और फ्रंट पे आप देखेंगे जो एलसीडी जो उसमें आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा और इसकी फ्यूल की एवरेज जो आप इसके अंदर आप जितनी गाड़ी ड्राइव की है कब से आपने पेट्रोल डलवा के गाड़ी ड्राइव की वो आपको टाइम आपको शो करेगा। और अगर सेफ और अगर आप साथ में आते हैं एलसीडी की बात की जाए, एलसीडी इसकी 9 इंच की एलसीडी है और नीचे आपको इसका सिस्टम देखने को मिलेगा एसी का। और एसी का सिस्टम इसका सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसका, ये फ्रंट और रियर के ऑप्शन दी गई है। और ये जो चीज़ है आपको इधर आपको डिजिटल में शो होगा, आपको जो आपने चीज़ें मोड एडजस्टमेंट करनी तो आपको एसी ऑन ऑफ का आपको सब सिस्टम आपको इस एलसीडी में आपको छोटी सी एलसीडी में नज़र आएगा आपको। और ये जो चीज़ है आपको एसी के एडजस्टमेंट टेम्परेचर ऊपर नीचे लो हाई करने का प्रेशर इधर है और मोड ये आपको यहाँ से चेंज होंगे। और ये आपका आप बाहर से आवाज़ लेना चाह रहे हैं और अंदर से और इधर सिस्टम और एसी ऑन ऑफ का सिस्टम इधर है। 12 वोल्ट के इसको स्लॉट दी गई है इधर और ये इधर स्पेस दी गई है मोबाइल शोबाइल रखने के लिए और ये नीचे कप होल्ड दिए गए हैं। 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी दी गई क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। और आपको देखने को मिलेगी हैंड ब्रेक दी गई है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक नहीं, इसके अंदर हैंड ब्रेक है। और आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट भी इसके अंदर आप इंक्लूड करवा सकते हैं, कंपनी फिटेड नहीं आता, आप इनको कंपनी से एक्स्ट्रा चार्जेस देके इंक्लूड करवा सकते हैं आर्मरेस्ट। और सीट्स मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी सीट जो है फैब्रिक की सीट्स हैं इसकी और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं आप देखेंगे कि यहाँ से अंदर जाती है फिर यहाँ से आपको बाहर निकल जाती है, तो सीट इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है और फैब्रिक की सीट दी गई है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। और डैशबोर्ड की बात कर लीजिए तो ये डैशबोर्ड जो है इसका हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड है और ये सिल्वर लाइनिंग के साथ इसको टच दिया गया है इसके अंदर। और अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात की तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और डैशबोर्ड स्पेस के अंदर देखा है तो इसके अंदर 2 USB की तार दी गई है इसके अंदर। इसका जो है वो मैनुअल है और आपको सन वाइजर में भी देखने को मिरर मिलेगा और ये इसकी लाइट्स दी गई हैं। लेफ्ट साइड पे भी आपको मिरर देखने को मिलेगा सन वाइजर में, आपको राइट साइड पे देखने को मिलेंगे लाइट्स के एडजस्टमेंट और रियर पार्किंग सेंसर और ट्रैक्शन ऑफ ऑन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉप ऑफ द वेरिएंट गाड़ी है तो ये पुश स्टार्ट के साथ आई है। और साइड डोर की बात करें यहाँ भी आपको कप होल्ड रखने की स्पेस दी गई है, आप यहाँ भी कोई चीज़ आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और आपको अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ और इंजन ओपन करने का सिस्टम इसको यहाँ दिया गया है। गाड़ी का इंजन 5 स्पीड ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है और ये 12 CC गाड़ी है और इसके अंदर के सीरीज का इंजन है जो वैगन आर के अंदर भी आता है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल की एवरेज भी अच्छी होगी। और गाड़ी की इंजन की पावर की बात की जाए तो इसकी जो इंजन की पावर है वो 81 हॉर्स पावर और 113 का इसका न्यूटन मीटर टॉर्क इसके अंदर दिया गया है। 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं और इसके GL CVT और GLX CVT, और मैंने अभी कुछ जिसका रिव्यू दिया है वो GLX CVT है और ये इसकी जो प्राइस है वो 29 लाख प्राइस है और इसके जो टैक्स फाइलर है वो 25,000 टैक्स फाइलर है और 50,000 इसका नॉन फाइलर है। और जो इसके दो बेसिक वेरिएंट है उनकी जो मैनुअल गाड़ी की जो इनवाइस है वो है जो 25 लाख और जो उनकी ऑटोमेटिक जो गाड़ी है उनकी जो CVT है गाड़ी है उसकी इनवाइस है 27 लाख। तो नो डाउट गाड़ी इन्होंने बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस करवाई है, इस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी आपको परचेज करनी चाहिए, मेरा जो ओपिनियन ये है। अगर आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और बेसिक जो इसकी जो मेन फीचर है ना वो इन्होंने सेफ्टी फीचर देखा जाए तो उसके अंदर 6 एयरबैग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और डिस्क ब्रेक्स दे दी गई हैं और रिम चेंज कर दिए गए हैं और 16 इंच के टायर दे दिए गए जो आजकल स्विक और ग्रैंडी में इंट्रोड्यूस करवाते थे ब्रिजस्टोन के टायर के अंदर। तो नो डाउट गाड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई गई है, पहले लोगों ने इम्पोर्टेड गाड़ी इंजॉय करते थे अब लेकिन उन्होंने लोकल इंट्रोड्यूस करवा दी है। अगर आपको मेरी YouTube की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमें अपनी इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।